तो हेलो नमस्कार काल आदाब आप सबका स्वागत है वापस एक बार इस नए नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर जो टेक्निकली उतना नया नहीं रहा है लाइक आठ महीने हो चुके हैं बट स्टिल वी कैन से अभी भी दिल जवान है तो सब नया नया है तो आज के इस पॉडकास्ट का गेस्ट रहने वाला है एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा ही लैंग्वेज पर अपने कमांड रख के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अच्छी वो वाला मेरा नया कॉलेज फ्रेंड और लाइक आई फील लाइक ही विल बी वन ऑफ़ द बेस्ट फ्रेंड्स दैट आई थ्रू आउट लाइक माय लाइफ़ फ्रॉम नाउ सो लेट्स वेलकम ऋषिकेश या फिर जैसे हम लियो ऋषिकेश इस नाम से भी जानते हैं तो कैसा लग रहा है तुझे ऋषिकेश आके इस पॉडकास्ट एकदम एकदम वेरी मेरा सबसे अच्छा लगा कि यू टोल्ड फ्रेंड एंड uh, बहुत अच्छा लगा है यू आर ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड जो हम लोग दोनों का जो थाट्स प्रोसेस है बहुत काफी मिलते जुलते हैं जियो पोलिटिक्स के बारे में uh, बाकी बहुत हम लोग बातें करते रहते हैं तो इट्स वेरी गुड टू नो यू एंड बिकम अ गेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट तो लाइक स्टार्टिंग ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव वेरी मोटिवेटिंग नोट तू मुझे लाइक मतलब आर वन ऑफ दी पीपल हु सेंड्स लाइक वेरी वेरी मोटिवेशनल मैसेजेस वेरी वेरी मोटिवेशनल रील्स ऑन इंस्टाग्राम ऑन लाइक डीएम वगैरह पे uh, तू मोटिवेशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट करते रहता है लाइक लेट इट बी रील्स ऑफ गौर गोपाल दास प्रभु he's one of the role models for me yes uh, yes yes he's like one of the mentors that i aspire to be like uh, in like spiritual side also and like as a good human being also like i aspire to become like a like an entity like him so like uh, what's what's the thing that keeps you uh, on on sending such positive messages such motivational messages such like uh, encouraging messages like why is it that you send those reels इन टूडेज वर्ल्ड बेसिकली वैन वी गो आउट साइड सो मच ऑफ नेगेटिविटी एवरीवेयर इवन लोग कहते हैं कि uh, मैं पॉजिटिव हूं मैं ये नहीं हूं जस्ट गो एंड वॉच दैट कि वो घर पर कैसा बैठा है साइड में ही इज हेल्थ ऑफ डिप्रेस ओके सो आप जही भी जाओ इस, अभी फिलहाल ये करेंट सिचुएशन है देर इज नेगेटिविटी ऑल अराउंड ओके सो मेरा मैं ये सोचता हूँ कि uh, मैं आई डोंट लुक ओवर मैं लोगों को यू you नो know, uh,

गोपाल दास जी के बारे में बोला है गुरु गोपाल दास के तो आई रिमेम्बर इज वन ऑफ द ग्रेट व्हिच आई फॉलो इन माय लाइफ आल्सो कि टाइम इज समथिंग दैट यू कैन गिव टू समवन एंड टाइम इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट बिकॉज इट इज समथिंग दैट इट विल नेवर कम बैक सो आप जो अभी हो दस साल पहले हो जो आपको आप थोड़ी आप दस साल पहले जा सकते हो उसके दैट यू कैन गो दैट सो जो अभी हो दैट इज प्रेजेंट एंड एंजॉय योर लाइफ तो आज की दुनिया में नेगेटिविटी बहुत 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 ज्यादा ही फैला हुआ है मेरा यह मानना है कि इवन मैं अगर कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पीली स्प्रेडिंग तो मुझे अच्छा लगता है वॉट आर था अबाउट लाइक द करंट सीनारी ऑफ जस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लाइनिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक पीपल बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं पीपल आर जस्ट गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन मोर सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स एंड लाइक मेरा इसमें क्या है ये एक है जो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वी आर डिट्योरेटिंग द प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स दैट वी फॉलो एज

इन सारी लाइक like, जो बाकी चीजें रहती है जैसे कि कम्युनिटी सोसाइटी फैमिली फॉर दैट मैटर लाइक पीपल आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट द फैमिली दैट दे कम फ्रॉम इन मेनी वेज लाइक वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड सो वॉट डू यू थिंक अबाउट इट एंड लाइक हाउ यू वीड लाइक टू पुट फॉरवर्ड थिंग्स योर सेल्फ लाइक कैसे बट अ सेबाउट थिंकिंग अबाउट

तो वो लोग बोलते कि मेरा क्या लेना ले देना है इसमें जनरली जो देखते हैं अगर आज के दिन में मैं कि रिसेंटली बात है जो गुजरात में एक हादसा हुआ है तो कई लोग सेल्फ यू नो गवर्न करके लोगों को बचा रहे लेकिन कई लोग खुद निकल गए जिनको स्विमिंग आता है वो खुद निकल गए लेकिन वो दूसरों को नहीं बचा रहे तो ऐसा है कि वो सेल्फिशनेस एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस इज हम इस दुनिया में नेगेटिविटी को यू नो ह्यूमनिटी को एक क्वेश्चन मार्क करते कि इंसानियत एक डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जब ऐसे टाइप आते या ना करें इसका ख्याल आने लग गया है हमेंटलिटी ऑफ सेल्फिशनेस इज जब वो आता है तो वो कंसर्न बाउंड्री के हिसाब से तुम्हारे पास आ जाता है और तुम सिर्फ अपने बारे में किसी के बारे में नहीं सिर्फ अपने बारे में इवन अब deep, अब सेल्फिशनेस के एक्सट्रीम होते हैं इफ गो डीप तुम उस पार्ट में कभी कभी तुम लव को भी खींच लेते हो या लव वंश को भी दूर कर देते हो तो देर आर स्टेजेस ऑफ सेल्फिशनेस इन इट और दिस इज बेसिकली एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस और ये सेल्फिशनेस आता है बिकॉज वेन गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द एटमोसफियर अगर आपको किसी ने कोई हेल्प नहीं किया तो आप क्यों हेल्प करोगे ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग मेंस्ट नॉट हेल्प मी या यूल्प मोर पीपल बट देर इज नो सेंस ऑफ गिविंग बैक टू दीपल बट देर इज अ थाट uh, एक uh, नेकी काम कर दरिया में डाल ये ये काफ़ी पुराना ये बात है नेकी काम कर दरिया में डाल इट्स बेसिकली डू द गुड थिंग एंड पुट इन द डबिन बेसिकली जगह में फर्म uh, मतलब नॉर्मली बोलूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो लोग सोचते हैं कि वो अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा ही मिलेगा अगर इन रिटर्न उनको बुरा मिल रहा है तो फिर करते हैं कि यू you नो know, कुछ लोग हैं कि जो अच्छा करते रहते हैं <laughs> बट कुछ लोग है कि वो बुरा ही करेंगे उसके बाद

Like, uh, like, कहीं ना कहीं हम खुद को ही डेट्योरेट कर रहे हैं और एज अ सोसाइटी इसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा नेसेसरी होते जा रहा है एंड इट्स ओके मतलब इंडिविजुअल इट्स ओके टू बी अटिल सेल्फिश

Of and course. it will and more see, also see if we talk about a nation nation jab a community jab uh, unko positive response and they become uh, they get negative and they spread negative uh, i will take a very uh, good example of naxalites on it okay so they are the nations people only Now naxalite are not the people that come from foreign terrorism or foreign लोग हैं देश की ही सेवा वो यूज करते हैं इज इट दैट दैट की दे आर नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और द फ्रॉम द नेशन सो दे बिकम दे चूज अ वायलेंस पाथ दैट्स समथिंग एंड दीज लाइक क्या बोलते हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स आर आल्सो स्प्रेडिंग इनटू वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन टेंडेंसी लाइक लव

Uh, हमारा ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि हमारा ब्रेन ज्यादा चीजों के पीछे भागता है we tend to take more negativity than positivity. And और ये हकीकत है कि आप इफ वी टेक फॉर मीडिया आप मीडिया पे ज्यादा नेगेटिव खबर ही देखेंगे देखे? भाई दिखता है दिखता है वो वो फ्लैश होता है वेरी गुड सेड कि सुबह उठ के uh, आपका दिन डिसाइड होता है कि मॉर्निंग शो द डे वेरी गुड सेइंग सो so, लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ा करो सुबह जस्ट उठ के जस्ट गो एंड वॉक आप नेचर का मजा लो उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो नेगेटिविटी अब ब्रेन फर्स्ट क्या रहता है कि वी विल टेक नेगेटिविटी और ब्रेन इज समथिंग दैट इज सेंटी एक 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 आ, थोड़ा आ, कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट टू पुट फॉरवर्ड लाइक बता रहा है it's very, very correct, कि human mind आज के समय में नेगेटिव थॉट के बारे में ज्यादा एक्साइटेड uh, रहता है और ज्यादा उस चीज से अट्रैक्ट होता है बट इट्सिंग लाइक इट्स ऑल है सोशल इंजीनियरिंग दैट वी आर पुट फॉरवर्ड लाइक अभी कहीं ना कहीं हमें लाइक like, कितना भी तुम ना बोल लो कितना भी इसे डिनाई कर लो बट वी आर वाइट वॉश्ड विध पॉजिटिविटी लाइक छोटी से छोटी चीज को भी कहीं ना कहीं हम वाइट वॉश करते जा रहे हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड मत करो स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इज अ वेरी वेरी गुड इट्स अ वेरी जेन्युअन थिंग दैट अ पर्सन कैन डू और फॉर दैट मैटर एनी थिंग कैन डू लाइक एक छोटा सा लाइक like, तुम्हारे घर पे, पे पेट भी है दैट कैन ऑल्सो गिव यू पॉजिटिविटी

Basically. हमें लाइक लाइक ऐसा जैसे मतलब uh, अभी एक एग्जांपल दू लाइक like, अगर एक क्लासरूम है एंड लाइक वी हैव टू बॉयज लाइक बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम रिसोर्सेज दे लुक लाइक सम वॉट सेम एंड दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी वगैरह लाइक सब कुछ दे हैव सेम क्वालिटी लाइक दे हैव सेम मटीरियल क्वालिटीज

मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इट्स यू हु डिफरेंशिएट इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव बिकॉज आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ मिडिल क्लास मैन फॉर हिम डूइंग सम बैड टू समवन इज वेरी नेगेटिव ओके एनीथिंग डूइंग बैड मीन्स उसको लात मारना थोड़ा थोड़ा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स दे देना इट्स नेगेटिव फॉर हिम बट फॉर अ टेरिस्ट किलिंग पीपल Across is a positive. He he finds out that it's a positive uh, response that I'm giving to the society. So it's you who differentiate what is positive and what is negative. Because this two things in the universe, it's an energy that jo aapko chalata hai positivity and negativity. अगर सिंपल सा भी हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं जो हम लोगों के घर पे पंखा है या लाइट है, it needs two wires positive and negative. उसके बिना वो चलता नहीं है. अब ऐसा नहीं कि सीधा एक पॉजिटिव दोनों दो पॉजिटिव दो आप दे दोगे उसको वो चलेगा नहीं वो पॉजिटिव और नेगेटिव और ज, अगर ज्यादा ये रहता है तो न्यूट्रल भी कभी कभी जरूरत होता है तो इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज एंड यू डिफरेंशिएट इट की क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिविटी what are thoughts about love and like how love as a concept and love as a feeling and like jo bhi matlab uh, love ke sath associated jo bhi boundaries pe uske alag alag uh, topics attached hai wo yeah. sab kaise change ho rahe in like the current times see in the current scenario i will tell you a very good thing ki our youth generation is is very much you know uh, bhram mein hai ki what is uh, uh

एंड डिफ्रेंसी इन कॉन्सेप्ट या फिर इनफैचुएशन बोलते हैं अट्रैक्शन के लिए एक और वर्ड इनफैचुएशन है किसी के प्रति इंटरेस्ट जागता है एंड इट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन बॉडी थिंग लाइक हमारा ब्रेन इट्स इट्स लाइक क्या बोलते हैं हमारे दिमाग के अंदर लाइक फ्रॉम दी ओलडेस्ट ऑफ लाइक दिथिक उसके भी जो पहले के टाइम्स थे उसके पहले से लाइक फ्रॉम सिंस लाइक वी कैन बी कॉल्ड ह्यूम तब से हम लोग के दिमाग के अंदर ये फिटेड है ये इंजीनियर्ड uh, है कहीं ना कहीं कि हमें चार चीजें चाहिए दैट इज शेल्टर फूड रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी लाइक सेफ्टी या फिर लव या फिर रिस्पेक्ट वगैरह वो बाद में आए लाइक दर्म केम बाद में एंड लाइक like, ये सारी चीजों को कम्बाइंड करके अभी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फीलिंगली बीन डेवेलपिंग एज अ स्पीशीज और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें चेंजेस नजर आते हैं और उन चेंजेस को हम बहुत बार नहीं बता पाते क्योंकि इन चीजों की बातें नहीं होती है सोसाइटी में

मैं इतना इतना आई फीमेल फ्रेंड्स दे टेल मी दैट कि मैं इतना कर रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दैट ओके सो आई टेंट टू से कि इस पर मैं ये बोलूंगा कि देख सी लव इज समथिंग दैट्स योर नीड दैट इज अटिस्फैक्शन ऑफ योर नीड ओके एंड इन टूडेज जनरेशन ये सर पे एक ये है कि आई टोल्ड यू ना दैट कि लव अट्रैक्शन क्रश ये सब दिमाग में एक मतलब यू you नो know, दे खिचड़ी क्रिएट हो रहा है बहुत ज्यादा या वही वो खिचड़ी तैयार भी इसीलिए हो रही क्योंकि इन चीजों के हम नॉर्मलाइज बातें नहीं कर रहे नहीं, नहीं कर पाते नहीं। और और अगर कर नहीं एक... रहे लाइक करना चाहते सब है लव किसको प्यार नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में किसको रिस्पेक्ट किसको अपना परफेक्ट पार्टनर सच्चा प्यार नहीं चाहिए वही को नहीं चाहिए सबको चाहिए यहाँ पे बात यही है कि वी हैव दैट सेंस ऑफ अनकम्फर्टेबल विद टॉपिक ऑफ लव वी हैव uncomfortable like feelings when we talk about sex when we talk about uh, things like uh, masturbation अफिर jitne bhi uncomfortable topics hai wo kahi na kahi abhi hum shelf 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 karke उसे रुका रहे but हमारे human mind को वो हमने ऐसा engineer किया like it's biology we have been engineer to find these things like एक ऐसा क्या बोलते हैं like सबकॉन्शियसली वी हैव लाइक टिक बॉक्स जो हम क्लिक, क्लिक 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 करते रहते हैं अपने हर लाइक like, हर नए दिन के साथ और yes. वो हमें मिलना तो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं चाहिए ही वो जरूरत है पर वो जरूरत के बारे में हम बात करना नहीं चाहते बात करना एंड दिस इज ये सोसाइटिकल थॉट है कि आज अगर आप मैं ये नेचुरल है आप किसी भी कोने में इफ यू टॉक इफ यू सी अ बॉय एंड अ गर्ल टॉकिंग

यू uh, हैव हाँ हाँ, चल रहा है बहुत ज्यादा खुश होगा वो सुन के लाइक कोई नोटिस कर रहा है अच्छी बात है चलेगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट wow. तुम मेरे कहीं ना कहीं कंसेंट के विदआउट जाके रूमर स्प्रेड करने लग जाते हो दैट्स थोड़ा सा बैड

थिंक करते हैं जिन चीजों के बारे में जो हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं समझाते हैं उन चीजों की वजह से हमारे लेवल्स चेंज होते हैं में पानी उतना ही है बस चीजों का concentration change होते रहते yeah. हैं और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दैट पाथ सो देर आर हार्मोन्स लाइक डोपमिन देर आर हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन देर आर हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज सेक्सुअल हार्मोन देर इज हार्मोन्स फॉर फीमेल्स एंड मेल्स आल्सो

इफ़ आई लाइक टू एड ऑन दिस की यू नो भ्रम में बहुत है लोग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड वन मोर थिंग आई वुड से बिकॉज आई एम वेरी गुड लव गुरु टाइप ओके सो मैं फ्रेंड्स को बेसिकली बोलते रहता हूँ जब वो लोग मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस uh, लेके उनके खुद के केसेस लेके के तो uh, वो लोग बोलते हैं कि यार मैं कैसे बोलूँ यार मैं कैसे आई ट्रू लव हर आई ट्रू लव हिम तो देर इज अक्ट ऑफ फियर

री वेरी सब्जेक्टिव लाइक हर अट्रैक्शन को हम इन चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते कि लाइक like, हमें कंट्रोल जवाना है क्योंकि अट्रैक्शन अगर नहीं है देर इज नॉट लाइक इनफ स्टार्ट टू फायर दू स्टार्ट दायर ऑफ लव इट्स कहीं ना कहीं इट्स नॉट पॉसिबल अगर तुझे किसी पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है वेन यू डोंट है क्या बोलते हैं हम लोग फीलिंग्स नहीं बना सकते किसी पर्सन से कनेक्ट नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं प्यार होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और यही है लाइक like, इस चीज में से जो हम बात कर रहे हैं अभी लाइक like, ऑडियंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा ये बट लाइक ऋषिकेश का यही पॉइंट वो बनाना चाहते हैं कि भाई कंट्रोल्स और किसपेक्टेशन रखना थोड़ा कम करो या फिर कंट्रोल yes. का तो बिल्कुल बंद ही करो बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर पार्टनर तुम एजुकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का या एक्सपेक्टेशन को अपने फ्लोर्स पे सजाना मत शुरू करो अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करते रहो विथ टाइम और उसे कम्युनिकेट जरूर करो अपने पार्टनर के साथ अगर तुम वन साइडेड हो तो एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल का ख्वाब भी मत रखो यस तो yes. तुम कहीं ना कहीं खुद को भी डैमेज कर रहे हो उसमें अगर फ्यूचर में खुदा वास्ता लाइक वैसा हो जाता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और तुम वो कंट्रोल जमाना शुरू कर देते हो तुम उस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट कर दोगे या फिर वो पर्सन कहीं ना कहीं खुद गिल्ट में चला जाएगा कि लाइक भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ या फिर ये लाइक इट इट इज वेरी वेरी ट्रामेटाइजिंग टू लाइक जस्ट गेट टू नो कि भाई ये पर्सन ने ये ख्वाब सजाए थे कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है पर मैं अभी उसे कंट्रोल नहीं करने दे सकता क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर दाव पे लग जाएगी एंड दैट समवेयर कि तुमने वो पहले से सजा के रखा है आई एम टॉकिंग जो भी तुम्हें सजाना है प्यार करना है वगैरह जो भी तुम रंग रसिया बना के रखो पर वो मिलेगी या ना मिलेगी ये डेस्टिनी पे छोड़ दो और ये टाइम और अपने एफर्ट्स पे छोड़ दो यस yes. बहुत ज्यादा डीप टॉक हो गया है प्यार के बारे में लव लव इज अ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट लाइक कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्यार 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 देख के थोड़ा सा वियर्ड सा फील होता है बट इट्स जस्ट दैट कि अभी की जनरेशन और लाइक अभी के टाइम में पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड परफेक्ट पार्टनर परफेक्ट पार्टनर लाइक फाइंड करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं पर तुम्हें परफेक्ट मिलेगा ये बिल्कुल नहीं होने वाला है तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा तुम अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढने तो चले जाओगे बाजार में तुम्हें मिलने तो नहीं वाला है तुम्हें कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज खटकेगी क्योंकि इट्स अ ह्यूमन that you are uh, going to have a relationship with it's a individual it's another individual na tum khud se relationship rakh lo to bhai usme koi problem hi nahi hai tum khud ka koi problem nahi hai khud ka khud ka samjhao single रहो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है सिंगल रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हर बार एंगेज uh, रहने में हर बार uh, क्या बोलते हैं फिडली और कडली रहने में कोई प्रॉब्लम लाइक like, ऐसा जबरदस्ती नहीं है वो सिंगल रहने में भी उतना ही मजा आता है पर वही है कि

अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो अपने लाइफ में आप प्रॉब्लम्स ले लो दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स uh, रहते हैं या इफ़ यू आर अ गुड बिजनेस मैन इफ़ यू आर गुड स्पोर्ट पर्सन इफ यू इफ यू हैव अ गुड करियर ऑन फोटोग्राफी देन यू वन जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हर प्रॉब्लम देर विल बी प्रॉब्लम देर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे जिंदगी में लव इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ और यू विल यू हैव टू एडजस्ट एट एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ ढूंढने तो अं देस्ट से अच्छा परफेक्ट पार्टनर बनने का ट्राई कर रहा है नाम नॉट टॉकिंग की खुद yes. के लिए तुम तो एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दूंगी लाइक मुझे ये बनना ही है यही करना है खुद के दिमाग और खुद के दिल और खुद के लाइक like, माइंड के अगेंस्ट ना जाओ सिर्फ तुम्हारी जो तुम्हें लगता है कि इन इन पॉइंट्स पे मैं इंप्रूव कर सकता हूं जैसे कुछ लोग का प्रॉब्लम्स रहते हैं फिटनेस में रहते हैं कुछ लोग के प्रॉब्लम्स रहते हैं स्टडीज में कुछ लोग के प्रॉब्लम्स रहते हैं कम्युनिकेशन में कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स रहते हैं एक्सप्रेशन में कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स रहते हैं टू गेट फिजिकल विद अ पर्सन इन अ रिलेशनशिप लाइक होल्डिंग हैंड्स किसेज हग्स कुछ लोग नहीं कर पाते तो उस चीज पे वर्क करना शुरू कर दो जहां पे भी तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ पे मैं हर बार बैक फुट पे चला जाता हूँ फ्रंट फुट लो और उस पर काम करना शुरू कर दो क्योंकि समय तुम्हें, तुम्हें खुद को लाइक इंप्रूव like, करने के लिए खुद ही देना है कोई आके तुम्हें लाइक ऐसे टन 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 करके सीधा नहीं करने वाला है यू आर नॉट अ इंस्ट्रूमेंट यू आर अ पर्सन एंड यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर जस्ट टू सैटिस्फाई एंड समवट कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड रहता है ना कि लाइक मेरा पार्टनर मेरे लिए अच्छा है या नहीं इस क्वेश्चन को अराइज ही नहीं करने देना है तुम्हें अपने पार्टनर में दे विल बी लाइक द लीस्ट बॉर्डर्ड कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज दे विल नो यू इन आउट उसके लिए कम्युनिकेशन भी रखो दैट्स लाइक ये ऐसा हो रहा है अभी लाइक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट्स लाइक एक ऐसा मतलब नदी में से पानी जा रहा है और कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज एड होते जा रही है वही है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है लव के लिए एंड समवेयर लाइक आई फील कि मुझे भी इस फुल लाइक टॉपिक का उतना ज्यादा चीजें समझी नहीं पर कहीं ना कहीं मुझे जितना समझा मैं उतना शेयर करना चाहता हूं एंड अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसमें से क्या बोलते हैं दो दाने उठा लो खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आई <laughs> विल uh, आप जिसको प्यार करते हो वो जो ऑपोजिट

I'm, a, I'm the one who support feminism okay see i watch out every gender equally. in today's world it's, it's a very good topic to speak out uh, and uh, i had a debate also in it uh, uh, earlier in my school life so it's a very good topic a controversial topic i will tell a subjective topic to talk and log ki this is something that women doesn't need to do but that's against why? 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 Uh, there's a good, uh, i've seen, i've read uh, on uh, some university uh, magazine, why boys should have all fun? i got a very good ad on an ad i have uh, learned, uh, read this. Ki, why should boys all have fun? so girls are part of the society, but it's that ki hamara society, a ek, uh, ek male dominant society. or yekui in kanihikasanta.

on-ground एक्टिविटी क्या है इट डिपेंड्स ऑन दैट और हमारा सोसाइटी काफी सोसाइटी वर्ल्ड में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है कोई इसमें, कोई you know, uh, कोई इसमें इसका विरोध नहीं कर सकता। पार्ट ऑफ यूएन आल्सो यूएन का अगर तू तो ये देखेगा तो उनका लोगों का सोच थोड़ा डेवलप होना जरूरी है लोग सोचते हैं कि लोग थोड़ा कंसर्न सोचते हैं थोड़ा ऑन बाउंड्रीज सोचते तो उनको आउट बाउंड्री जाके सोचना पड़ेगा इसलिए And like it has facets of positive as well as negative uh, consequences. And like kahina kahi, it's a it's, it's world people, people are making it a political ideology, I will tell you. People is political way se hai jada, being concerned about it. Even when we talk in uh, if UN about UN if you talk, UN also sees the matter as a political. It doesn't see it in a, any other way. They just see in a political way. or kuch They try to hunt out political uh, outcomes, political points on it. Feminism should somehow be attached to humanitarian terms. Because, like, believing in a democracy, living in a democracy like India, we have to somewhat, like, give equal opportunities to every person, irrespective of their gender, creed, jo constitution bhi yes. state out karta hai. and somewhere down the line we are perceiving our society to be a patriarchal society jo kahi kahi perspectives mein it is completely true you cannot argue on that point ki yeah yahan pe male dominant societies hai but we also have examples of like जो परंपरा से हम बोलते like generations से चलती आ रही है ऐसी female dominant societies भी है जिन्हें कही ना कही अभी male dominant societies के साथ

ट्रेंडिंग टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट दिव अ वेरी फैंसी वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड सो दे पीपल ट्राई टू परस्यू पोलिटिकल पॉइंट आप कहीं भी चले जाओ दे पोलिटिकल गोल ऑन इट कटिंग इट को इक्वालिटी के साथ लाइक like, जो फेमिनिज्म के रूट्स आई एम नॉट टॉकिंग कि अभी जो फेमिनिज्म का वो तो छोड़ ही दो अभी कहीं ना कहीं इट्स गेटिंग नेगेटिव बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जियो जो भी लाइक like, अभी लोगों ने अपना फायदा देखना शुरू कर दिया विद सपोर्टिंग और गेटिंग अगेंस्ट विद इट मैं

एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ जो भी इसका रोल societal रोल है उसकी वजह से तो उसे ऑपोजिशन की भी उतनी ही जरूरत है जितनी सपोर्ट की जरूरत है एंड आई एम टॉकिंग इस दोनों में लाइक like, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इस पूरे सिचुएशन की इंफॉर्मेशन इस पूरे सिचुएशन के इफेक्ट्स और जो भी इसके मतलब ओरिजिन uh, है उस सब की जानकारी उस सब की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए आपके पास एंड yes. फिर आप एक स्टैंड ले सकते हो

इंटेंशन अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने के साथ साथ इट्स ऑल्सो कि लाइक अभी सेल्फ सेंटर्ड लोगों की लाइक आइडियोलॉजी मिल के दे आर लाइक कि भाई इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है ये अपन स्क्वेयर ऑफ करते हैं हर बार सो लाइक फेमिनिज्म के फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्टेट आउट द पॉजिटिव विच इज इट्स मॉरल्स कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर इन दोसाइटी विच इज

जो भी रूलिंग है है ऑपोजिशन कोई डिसीजन ले लेती इट इज गोइंग टू अफेक्ट लाइफ सेम अमाउंट पे कितना भी तुम इसे डिनाई कर लो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट और उसके इफेक्ट्स दिखेंगे ही और फेमिनिज्म का जो रूल्स थे और जो मॉरल थे जो स्टार्टिंग में आए कि लाइक देर शुड बी इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड देर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी सोसाइटी वेरी मच आई सपोर्ट Now the things that I oppose in feminism are the negative stigma that being attached to feminism. Ki like they are just uh, क्या बोलते कहीं ना कहीं we don't need men to run a society. इस thought को provoke कर रहे और उसे promote कर रहे, which is very very dissatisfying to the extent कि like मैं एक लड़का हूँ इसी वजह से नहीं. It is dissatisfying क्योंकि हम इस चीज को मैं support कर रहा था because it was कि हम सारी चीजों को रिप्रेजेंटेशन इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जो भी जितनी भी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के हैं जितनी भी हमारी सोसाइटिकल नीड्स है कम्युनियल नीड्स है उसे फॉलो करने के लिए आप इसे बढ़ावा दे रहे थे ओके आई एल ऑल्सो सपोर्टेड बट नाउ यू आर अटैचिंग इट विथ की जस्ट देर शुड बी फीमेल पावर वी डोंट नीड मैन एंड सम वॉट लाइक द मैन एंड द वुमेन बोथ ऑफ देम आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्स बिकॉज ऑफ दैट दैट्स वेरी वेरी

स्ट मेन और वुमेन लाइक मेन भी उतना ही कर रहे थे वुमेन को इसीलिए अपराइजिंग हुई इसीलिए दे आर फाइटिंग फॉर राइट नाउ बट दीज इचर ऑफ ह्यूमन माइंड एंडियर एंड देखो कब इस जमाने पर मेल यूज टू डॉमिनेट दोसाइटी

जो मतलब फीमेल्स लाइक फाइट कर रही है जस्ट फॉर दी से लाइक हमें मतलब राइट्स नहीं मिल रहे हमें ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है ओके okay. जहाँ पे हो नहीं रहा है वेरी गुड दैट यू आर फाइटिंग आई एम वेरी मच इन सपोर्ट एंड वेरी मच इन अप्रिसिएशन की Yes. चीजें मिल रही है तुमने यूज भी किया ओके यू हैव दॉइस राइट टू यूज इट एनी वे दैट यू विश बट यू नीड टू कीप इट माइंड दिंग्स दैट इट गोइंग टू अफेक्ट दोसाइटी इट्स गोइंग टू अफेक्ट You as a person, it's going to affect the people that you are connected with indirectly or directly, and वो पूरी society को कहीं ना कहीं क्या बोलते change कर देता और mould कर देता किसी और चीज़ में। It's very very malleable, the society and the community, it's very very malleable. एक thought आ गया, हम फटाक से बदल जाते हैं। कोई और thought आ गया, हम फटाक से बदल जाते हैं। कोई और incident आ गया, हम फटाक से बदल जाते हैं। बदलना इस the tendency of human mind, we have to that's, adjust. That's human nature. है.

We have the right. और जहाँ पे तुम्हें हक की जरूरत है वो देना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बट तुम कहीं ना कहीं चीजों पर स्टेप डाउन करके अपना वर्चस्व दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं that's a typical dadagiri if you talk about yeah. domination kisi ka bhi nahi hona chahiye in a way like everyone should be equal like in any measures like emotional psychological uh, financial societal communal uh, gender related like har cheez mein everyone should be equal and they should be given the resources And जो भी like, जैसे जितना उसके पास है उसके according उसको चीजें मिल जानी चाहिए उन चीजों का हक उन चीजों को आप कहीं ना कहीं रूल आउट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें अपना एक पॉइंट प्रेजेंट करना है और तुम्हें अपनी चीजें चलवानी है वैसे दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड दैट्स वेरी वेरी डेंजरस यस वही अभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इस कॉन्वर्जेशन में ऑडियंस एंड ये हमारा एक मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे भी दंगे करवा दे या फिर really. निर्माण कर दे हमारा मकसद यही है कि इस चीज के बारे में बातें हो इस चीज के बारे में विचार लोग प्रस्तुत करना विदाउट एनी डर लाइक uh, like, प्रस्तुत करने लगे इस अपने थॉट्स को अपने विचारों को अपने बिलीफ्स को क्योंकि लाइक like, मैं और ऋषिकेश हम दोनों फ्रेंड्स हैं वी बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर जैसे उसने बताया लाइक like, हम बहुत ज्यादा चीज़ों पे अग्री करते हैं पर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिस पे हम अग्री नहीं करते वी डिसग्री ऑन दैट और उन चीजों में भी हमें कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट और एक कम्फर्ट है ना कि ओके okay, लाइक like, He is having a different thought doesn't mean that I have to डिफरेंट थॉट डजेंट मीन दैटन इट जस्ट आर वही people exist, with, uh, people exist with different thoughts and like कहीं ना कहीं हमें उस चीज से adjust होना पड़ेगा जो आजकल की world नहीं कर पाती है अभी हम offend हो जाते हैं किसी भी चीज से छोटे से छोटे comment पे जो मजाक करके भी या फिर जो मजाक के नाम पे लोग कर रहे हैं वो भी बहुत बुरा है लाइक like, बहुत ज्यादा चीज है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है इन uh, सारे टॉपिक्स पे और इस सब के बारे में सिर्फ विचारों का प्रस्तुति विचारों की प्रस्तुति हो और बातें हो यही हमारा मकसद हैव एनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस इट्स जस्ट दैट कि हम अपने थॉट्स आके बता रहे हैं और उस पर आपको विश्वास करना है या फिर नहीं वो आपके ऊपर है बस उसके बारे में हम आपके दिमाग में विचार निर्माण करना चाहते हैं एंड जस्ट वो स्पार्क देना चाहते हैं आपको बाकी आप उस पर कुछ भी करिए

Uh, एकदम ही मतलब ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए आई लाइक टू गिव की लाइक ऐसा कोई एक माउंटेन ओके एंड दैट इज माउंटेन ऑफ डेवलपमेंट उसके ऊपर दोनों रस्ते लाइक like, या फिर जितने भी रस्ते फॉर दैट मैटर एवरी थिंग शुड बी इक्वल लाइक वो रास्ता सेम मटेरियल का बना रहना चाहिए उस रास्ते पे सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहने चाहिए वही है कि लाइक like, इक्वालिटी दे दे हम और आगे लाइक like, उस इक्वालिटी को टैम्पर ना हो इस चीज का इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए जो नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों के पॉलिटिकल पौ, एजेंडा लोगों के पॉलिटिकल बिलीव्स जो दुनिया सोच रही है वैसा सोचना दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आई फील यस ओके तेरा क्या कहना है लाइक यू स्टार्टेड दैट कॉन्वर्जेशन बट Yeah, I will talk about the overall reservations part. Jo hai, see, uh, reservation is something that is not good for a develop, yeah, developing country. Okay, India is a developing country. is a fa is in this phase of developing country to become, and uh, the last I will tell, uh, is a phase. is It's in phase of developing country. Okay, even the Indian Supreme Court in one of the uh, cases had said that ki. A country, developed country and developing country should not have reservation. It could uh, harm the resource of the country. So reservation is something it's needed. See, it's needed reservation to bring the lower in the same level. But if I talk about an uh, example of uh, doctors, if I talk about government doctors, this is reservation criteria for uh, government doctors. So the person uh, who are in the open general category, uh, they gets 90, 95%, they doesn't get, even they doesn't get the seat that is uh, there for open. So there is limited seats, limited, not limited seats for open, but there is a huge crowd in the, in the open criteria. But similar thing when we talk about some reservation criteria, seats are there and the crowd tries, there is easy to fit the crowd in the seats.

like reservation, in my opinion, should not be with caste and anything. It should be centralized with the people below poverty line. like centralized like we are not waiting for a person to have the specific caste that's needed uh, for for like the reservation see. इवन वेर इज यू टोल्ड पॉइंट दैट की जहाँ रिजर्वेशन जरूरत है वहाँ रिजर्वेशन रहना चाहिए जरूर रहना चाहिए रिजर्वेशन वहाँ बिकॉज मैं एक चीज़ बोलूंगा पोलिटिकल वे से बोलूंगा मतलब पोलिटिकल वे नॉट पोलिटिकल थाट बट सी इलेक्शन तो इवन रूरल एरिया ग्रामीण इलाका है एंड वहाँ पर वहाँ का रिप्रजेंटेटिव होना चाहिए उसको रिप्रजेंट करने के लिए बिकॉज the 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 one who will know about the, uh, about the, uh, problems that are faced to people of the village. okay. so दूसरा नेता या दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट से आके नेता आके वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है या समर डोमिनेट वाला लोग जो एक अच्छा उसका हवेली हवेली है बिकॉज सोसाइटी इंडिया right. like like yes, 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 India, India में बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेशन ब्राइबरी करप्शन बहुत ज्यादा प्रमाण में हमें दिखाई देता है एंड दैट्स बिकॉज की हमारी कहीं ना कहीं हम वैसे इंजीनियर किए गए और हमारी जनरेशन वैसे आ रही है but now that we are coming into the sectors of being a developed country, we need to rule these things out. and isile reservation, you are giving to like, i'm not talking a caste, but a e caste wala system was okay. it was like beneficial and it was uh, all needed in the uh, post-independence Jomara era. yes. बट yes. अभी के जमाने में वी जस्ट कैनोट गिव समय बिकॉज ही रिजर्वेशन इज नॉट की लाइक like, हम लोगों ने जब बनाया गया था उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लाने का डिबेट हुआ था

भी आजादी का अमृत से स्वर्णिम भारत की ओर एंड स्टिल कम्युनिटी फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन वही लाइक कास्ट इट शुड बी गिवन ऑन दी क्राइटेरिया दैट यू नीड इट और डोंट नीड इट और उस क्राइटेरिया के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू मी लाइक इट इज

एजुकेशन कॉस्ट दॉर्मल डे टू डे कॉस्ट ऑफ थिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में आती है पानी खाना शेल्टर जो हम लोग बिल्स भरते हैं अलग अलग लाइक देर आर नेसेसिटीज और कहीं ना कहीं आपको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एक या दो चीजों में लाइक like, सब्सिडी दे देती है रिजर्वेशन दे देती है आपको ग्रांट्स दे देती है स्कॉलरशिप दे देती है दैट्स वेरी वेरी नोबल डीड एंड उससे हम कहीं ना कहीं इक्वालिटी के थ्रेश में लाके रख देते हैं ना उस स्पेसिफिक पर्सन उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल उसके स्पेसिफिक फैमिली को क्योंकि लाइक अगर एक कोई इंडिविजुअल बदलता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से सोसाइटी भी एक बदलाव लाइक एक्सपीरियंस करती है यस yes. और लाइक जो रिजर्वेशंस है वो उसका लाइक मिसयूज कब होता है जैसे लाइक अभी आप एक सिटी से बिलोंग करते हैं लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई लाइक दिल्ली लाइक भोपाल लाइक कोलकाता लाइक like, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पे जेन्यूली कंपटीशन ज्यादा रहेगी फॉर दी ओपन क्राइटेरिया एंड जस्ट बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कास्ट आप उसको अवेल कर लेते हैं इन ऑफ यू हैविंग ऑल दी रिसोर्सेज दैट आर नीडेड लाइक तुम भाई दो दो लाख भर के ट्यूशंस लगवा सकते हो तुम बड़ी बड़ी फीस भर के लाइक like, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो बट यू आर लाइक टेकिंग अवे दैट सीट जस्ट बिकॉज यू हैव दैट कास्ट और यू बिलोंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग तुम्हारी खुद की कम्युनिटी के लिए भी और ऑल्सो फॉर लाइक द सोसाइटी क्योंकि लाइक like, जैसे अभी यू बिलोंग फ्रॉम लाइक अ ट्राइबल कम्युनिटी और आप आ जाते हो एंड योर फैमिली इट्स अ वेरी वेल टू डू फैमिली लाइक आपके घर में अच्छा पैसा है आपके लाइक like, फैमिली को बॉदरेशन नहीं है आपके लाइक like, जेन्युनली आपको उस रिजर्वेशन की उतनी जरूरत नहीं है विदाउट द रिजर्वेशन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट स्पेसिफिक सीट की जो भी एंट्रेंस एग्जाम रहती है yes. जो भी एग्जामिनेशन रहती है उसके लिए आप उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो बट देर इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट हु इज कमिंग फ्रॉम लाइक लॉन्ग लॉस्ट प्लेसेज एंड लाइक दे आर फाइटिंग फॉर दैट सेम प्लेस एंड जस्ट बिकॉज तुम उस क्राइटेरिया में थे और तुम्हारे लाइक like, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा मार्क्स से तुम्हें वो मिल जाता है It's not like that. Like a deserving person. who is Even not... even on this thought, I remember I was reading a newspaper and I even saw on uh, social media uh, very good uh, that he, a person in Mercedes uh, Benz and you know, a well, well established person coming in a proper, you know, official formals, uh, coming and collecting his ration, the government subsidy ration, that government provides ration to the people. He's collecting the ration, government ration from the ration shop. In his Mercedes Benz and a proper, you know, well, uh, formals might be he, he or she, he will be a good established uh, businessman or a a good holder, post holder. But it's your need. See, as for well that, ki you can afford that thing. जहाँ पे आपको आधार की जरूरत है वहाँ पे आपको government आधार देती है. But अगर आपको उस आधार की जरूरत नहीं है तो उसे no. कहीं ना कहीं give up करना is also your Your, it's it's your thing. It's your thinking. Your self responsibility to give it. To give up on things is a very, very big thing that we need to be taught from our childhood. Like, like giving it back is not something that we are taught by the society and by the, the societal norms. We are not taught uh, so. Like, it's very, very sad.

because this has been a very uh, controversial topic and it's coming, uh, crossing it. So one year in this feb. so it just needs more three months. so uh, there's a great war going on between russia and ukraine. so what's uh, your thought on that? and your stand? people are getting affected by the war. what's uh, other resources spent or just to लाइक like, क्या बोलते हैं रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर लाइक जो भी ऑपोजिशन uh, है इस uh, पूरे सिनारी में इट्स नॉट लाइक कोई हीरो है कोई विलन है इट्स जस्ट दैट द आइडियोलॉजीज द गवर्नमेंट्स देरिटोरियल जो भी बेनिफिट्स है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हुआ है एंड उसकी वजह से पीपल हैव अटैच्ड अदर बेनिफिट्स टू इट ऑल्सो लाइक जैसे अभी रशिया को टेरिटरी मिलेगी उसके साथ उनको रेवेन्यू वगैरह लाइक सेम यूक्रेन के साथ भी लाइक यूक्रेन इज डिफेंडिंग इट्स विथ इट्स रिसोर्सेज कहीं ना कहीं इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आई फील इसे वर्बली uh, और अपने खुद के ईगो को कंट्रोल में रख के भी बहुत ज़्यादा सॉल्व आउट करने की कोशिश हम कर सकते हैं बट ऑल्सो इट्स अ जियो पोलिटिकल मूव दैट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड एट अ वेरी बिग स्केल जिसे हम अभी लाइक like, एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा uh, इंट्रिकेट होगा लाइक उससे छोटे से छोटी चीज को एक्सप्लेन करना लाइक एकदम एकदम ही आई ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे भी पेट्रोल के प्राइजेस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सनफ्लावर ऑयल के बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं इट्स इट्स कनेक्टेड कहीं ना कहीं uh, एक वॉर होने के चांसेस है इन्फ्लेशन ग्लोबल डिप्रेशन होने के चांसेस है लाइक इन फाइनेंशियल टर्म्स आई एम टॉकिंग डिप्रेशन फिर इमोशनल जो स्टैंड पॉइंट्स है लोगों के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं लोग बहुत ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं बहुत ज्यादा जो जिन चीजों पे इंडिविजुअल्स डिपेंडेंट थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल देन लाइक जो स्टडीज के यूनिवर्सिटीज थे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं चीजें एंड इट्स ऑल बींग अप बाई टॉप नोचे एंड लाइक जो क्या बोलते हैं टॉप टीयर

okay so see uh, basically uh, if i talk well, your back between the covid scenario there's a war between azerbaijan and armenia people have forgot right now but at that time it was on very trending matter okay so after that israel and palestine so and after that we are coming into the ukraine and russia so america has a very good footprint in all over am i right अमेरिका इज द ग्लोबल सुपर पावर कितना भी हम बोल दें उसे लाइक इनकार कर दे बट अमेरिका इज अम्पॉर्टेंट पोल ऑफ द जियो पोलिटिकल सीन ऑफ दी ग्लोब लाइक कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट भी होती है और अफेक्ट भी होती है एंड अभी के वर्ल्ड में चीज़ें मल्टीपोलर होते जा रही है एंड उससे कहीं ना कहीं यू को एक थ्रेट नजर आता है कि लाइक हमारा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा हमारा वो कम uh, हो जाएगा देश या इंडिया इज गिविंग मेनी सोशल टाइज टू बिकम सुपर पावर नाउ लाइक हमारे पहले की जो गवर्नमेंट uh, थी उन्होंने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था कंपेर्ड टू दी करंट गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट लाइक अप्रो बीजेपी वगैरह सरकार का फॉलोअर आई एम नॉट अ भक्त आई एम अ सेंसिटिव लॉजिकल पर्सन जो क्या बोलता है अपोज भी उतना ही करेगा और सपोर्ट भी उतना ही करेगा yes. so, अभी लाइक फॉर द टॉपिक ऑफ जियो पॉलिटिक्स द करंट गवर्नमेंट इट्स डूइंग अ वेरी फेंटेस्टिक जॉब कंपेयर टू दर्लियर गवर्नमेंट्स हम अपना इंपॉर्टेंस

और उसकी वजह से यूएस uh, खुश भी है एक पॉइंट्स उत, उनको उतना ही थ्रेट भी लगता है इंडिया का सो दैट्स व्हाई लाइक हमें अभी लाइक like, क्या बोलते हैं नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज अ परमानेंट एनिमी इस थॉट से आगे बढ़ना चाहिए इन जियोपॉलिटिकल मूव्स लाइक इंडिया जैसे कलेक्टिव थॉट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इंडिया बिलीव्स इन दैट दैट एवरी द वर्ल्ड इज अ फैमिली response that we are getting from some of our neighbors or some of, our, of some of the european countries or some of the uh, uh, south asian countries that are situated so it's something that do you do you think that india grows as a leader as a vishwaguru because it's our theme that by two, 2030 india will be one of the Vish, will be vishwaguru and it's on its way to vishwaguru even though so do, what do what's your stand on that वी हैव बीन अ विश्व गुरु have हैव बीन center ऑफ इम्पोर्टेंस since the past बस क्या बोलते हैं सरकमस्टांसिस और सिचुएशंस की वजह से ऊपर नीचे होता रहा है इट्स जस्ट कि लाइक अभी वील we'll, क्या बोलते हैं शूट आउट एट दी फास्टेस्ट पेस्ट एंड वी आर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग आउट एज अ ग्लोबल सुपर पावर उसकी वजह से लोगों को इंटरेस्ट भी उतना ही आ रहा है थ्रेट भी उतना ही दिख रहा है उनको उसमें से बेनिफिट्स भी उतना ही नजर आ रहे हैं और तोटे या फिर uh, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स uh, भी उतने ही ज़्यादा नज़र आ रही है तो अभी एज लाइक अ इंडियन वी जस्ट शुड बी लाइक प्राउड ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें कहीं ना कहीं हमें रूल आउट करना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी ग्लोबल स्टैंड पॉइंट एंड द ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्योंकि कैसा रहता है like, लाइक uh, एक बहुत ज़्यादा uh, अच्छा कोट था जो मैंने सुना था इन वन ऑफ दी वीडियोस आई विडियोज रिसेंटली कि घर में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहे हमें हमारे नेबर्स को इस नोशन में रखना है कि वी आर एट द बेस्ट ऑफ़ दर सेल्फ एंड आल्सो इस चीज़ का ये मतलब नहीं कि हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्स को नजरअंदाज करते रहे हमें उनको भी सॉल्व आउट करना है पर जब देश की बात आती है उसे हम कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम अपने आप को और अपने डिफरेंसेस uh, को ज्यादा प्रभावित नहीं करने दे सकते हमारे पूरे सिचुएशन uh, को और पूरे सोसाइटी को कहीं ना कहीं so Uh, i would tell that key not 2014 but after 2018, uh, india started giving its comment on a uh, international level bhi, Aara, international... Abhi, uh, hai, like importance hai, like hamari that, that only ki earlier india was not giving any a stand internationally even though it was part of un and uh, a temporary member member because india has not got a permanent membership yet

1947 में, दिल्ली में घर में पानी नहीं आ रहा था घर में लाइक खाना नहीं था लोगों को जॉब नहीं थे काटा पाई चल रही थी रिलीजियस कॉन्फ्लिक थे और इंडिया को ऐसे टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटी आने में हम को लाइक क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता था अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को लाइक पकड़ लेते तो पर तभी हमको बनना था शांति का मंदिर हमें बनना था yes. पीस पीसफुल कंट्री और हम लोगों ने इस आ,

ठीक है आप जाए गए जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू ही वेंट इन द मॉर्निंग टू द दू एन दैट टोल्ट की कश्मीर में अटैक हो गया एंड स्वयं हो गया बट आवर इंडियन आर्मी हैज वेंट टू लाहौर यू कैन थिंक लाहौर तक चले गए और यू एन ऑन सीरियस नोट टोल्ट की टू मूव टू कम डाउन द फोर्सेज मीन्स इंडियन आर्मी को इंडियन टेरिटरी में एंड पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान टेरिटरी में आने के लिए बोल दिया एंड वी फॉलो दैट But that was that we only gave rise to a conflict after that, Humne, like ekdam starting mein, like if we scan Muhammad, Muhammad Ali, Ali Jinnah. Jinnah and his brother Shaukat Ali Jinnah, they were two one of the biggest Jinnah like, brothers, yeah, the Jinnah brothers. They were one of the biggest people who supported that India should be one state. And I'm talking India as a state which comprised of Kashmir, Jo Abi current, India hai wo, the territories of Pakistan. बांग्लादेश एंड सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार जिसे हम बर्मा बुलाते थे पहले बट वाइल गोइंग ब्रिटिशर्स थे विद दी पॉलिसी कि उन्होंने तभी एक कान हम बोलते ना एक कान भरे जाके जिन्ना के लाइक भाई ये देख ले लाइक ये uh, हिंदू कश्मीरी पंडित प्राइम uh, मिनिस्टर है नेहरू वो भाई तेरे को कुछ देने नहीं वाला इसमें तेरे को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाला तो तू अपना अलग सेपरेट कंट्री बनवा ले एंड तभी भी पाकिस्तान के जो वो थे ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर्स इन द कंट्री ही हैड लाइक जो बॉलीवुड तभी शुरू हुआ था लाइक एकदम स्टार्टिंग में उसकी कुछ फर्स्ट या सेकेंड मूवी थी बॉलीवुड की उसके एक एक्टर थे उनके उनके साथ और वो प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन दैट ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स दैट स्टोर्ड फॉर लाइक अ इंडियन पर्सन अ हिंदू पर्सन एंड ही वॉज अ मुस्लिम बाईज रिलीजन एंड आई एम नॉट टॉकिंग की लाइक हिंदू मुस्लिम लाइक भाई भाई वगैरह आई एम टॉकिंग की ही वॉज अ व वेरी सेंसिबल पर्सन अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड स्टिल ये सुनने के बाद भी ही वॉज लाइक ओके नहीं वी कैन स्टिल टॉक इट आउट विथ नेहरू ही आज फॉर लाइक कि हम आप हमको

Varna, we would have been like one of the biggest superpower, the biggest chance that we had ever got was that. But because of internal conflicts and because of just the ego that was attached mm -hmm. with people's thought at that time, that's what created conflicts somewhere. Jinnah was the first government official, the government representative. General Governor. Yeah. Jinnah was first governor general of Pakistan. Yeah, but Vahi ruled the same

सुभाष चंद्र बोस वॉज वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट बट सरदार पटेल ओन द इलेक्शन आई एन सी ड्यू टू महात्मा गांधी आई सपोर्ट नेहरू सरदार पटेल वॉज ऑल्सो द कैंडिडेट बट इवे सरदार पटेल गॉट दोस्ट वोट इन दट इवेन दो Uh, there was a talk between Sardar Patel, Mahatma Gandhi, and Nehru, and there was a fear in Mahatma Gandhi that he, uh, uh, Nehru would go in opposition, and uh, he, as he was a very good uh, you know po political leader and has a good uh, footprints internationally, he would help other internationally to take that place, and he would break again India into parts. There was a fear of uh, you know breaking.

कि ऑन द टॉपिक ऑफ़ लव दैट वी टॉक्ट गर्ट की एडवाइस uh, देना चाहूँगा कि देखो यार सब लड़के प्रपोज एंड डेट में एक्सपर्ट नहीं होते ओके सो देर इज समय टू डी रेस्पेक्ट गर्ल्स दे केयर दे अंडरस्टैंड दफेक्शन इट्स समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सो गर्ल्स को ये एक एडवाइस रहेगा मेरी तरफ से काफी लोगों को understand, adjust and communicate and <laughs> gather information all your life. That's one of the underlying messages of this podcast. This specific conversation. Collect like, The yep. first thing first thing try to adjust yourself in life. You will get if you if you understand the act of adjustment and you avoid the act being understanding the act of selfishness and you avoid selfishness, that's a person you will you will understand yourself better

दो बार नहीं होता ऐसा uh, मत सोचना की uh, uh, you know, uh, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है नहीं इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ जितने भी पॉइंट हम लोगों ने बोले उसको चेक जरूर करो कॉमेंट जरूर करो इफ आई एम रॉन्ग आई

बट इस सबका अंडरलाइन मैसेज वही है कि इसके बारे में एक थिंकिंग चेन मुझे शुरू करनी है वो अगर आपको समझ गई उतना वॉट यॉट आई एम ऑल्सो करेक्ट मी ऑल्सो पार्ट ऑफ यू ऑल नॉट इन बिल्ड इन दिसज आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो स्टडीज तो एपिसोड अब्रप्ट लगेगा पर इसका पार्ट टू जरूर आने वाला है उसके लिए वेट करते रहो मेरे सारे आपको में मिल जाएंगे ऋषिकेश के सारे में, में दे दूंगा एंड डू अस कि तुम्हें इस कॉन्वर्जेशन में अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा और वो अच्छे में कोई पॉइंट्स अगर तुमको एड इन करना वो बुरे में कोई और पॉइंट्स एड इन करने प्लीज वी आर वेरी वेरी वेलकम अगर so या yeah, और मेरे जितने भी सोशल्स हैं उस पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम करो कोई फिजिटिंग की जरूरत नहीं है कोई हिचकिचाहट की जरूरत मत रखो आके फटाफट बता दो बट आई नॉट रिप्लाई टू इट इमीजिएटली बट आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन लिस्ट योर Insta. <laughs> इंस्टाग्राम स्नैपचैट आई डी देयर एवरी सोशल प्लेटफॉर्म आई एम देयर सो आई दिंक्स आई टू यूर सो अगर कुछ भी सजेश रहेंगे एंड इस इक्वालिटी को और इस ह्यूमैनिटी को मरने मत दो जिंदा रहने दो खुद में खुद के अंदर के इंसान को खुद के अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे मत लगाओ दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस कॉन्वर्जेशन अ वेरी वेरी नाइस डे अगर आप इसे सुबह सुबह या फिर अपने दोपहर के किसी लंच वगैरह में सुन रहे हो वो भी ज़रूर बताना और नीचे की तुम में कब सुन रहे हो अगर रात को सुन रहे हो तो हैव अ वेरी नाइस स्लीप बहुत ज़्यादा मजा आएगा तुमको आज देखो सपने में क्या क्या चीज़ें दिखने वाली है you will have a very very you nice will you life. will you will if morning hai to तो motivation bahut acha milega aur raat lunch time you know normal rahega aur raat ko ek zarur thinking aayega aap sabhi ko ki you know topics pe feel talk more about love and jo bhi abhi bache hue कुछ कॉन्सेप्ट्स है वील we'll cover that in the next part of this conversation ये सिर्फ part वन है part टू के लिए wait करते रहो तुम्हें part टू में तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है so wait for the part 2 it's going to be much more different uh, than the part 1 you are going to see different faces of rishikesh and me in the part 2 or maybe part 3 also hmm. i'm not that much sure but uh, yeah hum dekh sakte hai us part ke liye bhi next part ke liye wait zarur karna तो इस episode को like share subscribe करना मत भूलना अगर आप इसे YouTube channel पे देख रहे हो तो अगर आप किसी podcast hosting हैं आप पे इसे सुन रहे हो जैसे कि स्पॉटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट गाना तो उसे पांच सितारे देना वो पांच जो सितारे दिख रहे हैं ना रेटिंग के उसे चमकाना मत भूलना वही पांच सितारे तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ सो हैव अ ग्रेट पार्ट इन दैट चलो बाय टेक केयर गाइस गाइज फ्रूटफुल यू नो टॉकिंग विथ रितेश थैंक यू बाय टेक केयर हैव अ नाइस टाइम बाय बाय